बेबी रानी मौर्य का असमंजस में डालने वाला बयान। योगी की पुलिस के लिए बेबी रानी मौर्य का अजीब बयान। महिलाओं को 5 के बाद थाने नहीं जाने की नसीहत। महिलाएं थाने में कंप्लेन दर्ज कराने ना जाएं। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। वाराणसी में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने अजीबोगरीब बयान देकर योगी सरकार को असमंजस में डाल दिया है। विरोधी पार्टी की नेता होती तो बीजेपी के नेता और पदाधिकारी पलटवार भी करते, परंतु बेबी रानी मौर्य के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को सलाह दी है कि 5 बजे के बाद थाने ना जाएं। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खतरनाक है कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने नहीं जाना चाहिए? बता दें कि बेबी रानी मौर्य ने बयान दिया है कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने नहीं जाना चाहिए। महिलाएं सुबह थाने जाएं, वह भी अपने पिता, भाई या पति के साथ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना, जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त प्रदेश का ढिंढोरा पीटते हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी की बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को जो नसीहत दी है, जिसने योगी के महिला सशक्तिकरण की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल बीजेपी के नेता इस प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। वहीं बेबी रानी मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बेबी रानी मौर्य ने बीजेपी और आरएसएस की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। अंशु अवस्थी ने कहा, योगी सरकार के जंगल राज को बेबी रानी मौर्य ने बताया है, इसलिए 5 बजे के बाद महिलाओं को थाने नहीं जाने की नसीहत दे रही है। बेबी रानी मौर्य भले ही बीजेपी और आरएसएस की सोच में घुल गई हो, लेकिन यूपी की महिलाएं कमजोर नहीं है। प्रियंका गांधी महिलाओं का मनोबल लगातार बढ़ा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नियत में ही महिला विरोध है। बेबी रानी मौर्य जी भी उसी सोच को परिलक्षित कर रही हैं जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है। 5 बजे के बाद महिलाएं थाने क्यों नहीं जाएंगी, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की आदित्यनाथ सरकार में किस तरीके से जंगल राज फैला गया है कि महिलाएं थाने तक 5 बजे के बाद नहीं जा सकती। एक तरफ प्रियंका गांधी जी महिलाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही हैं, 40% टिकट देकर उनका हौसला अफजाई कर रही हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता लगातार महिलाओं को कमजोर साबित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति कमजोर नहीं है। बेबी रानी मौर्य जी, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी की सोच में घुल गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की नारी आज भी रानी लक्ष्मीबाई की ताकत रखती है, कल्पना चावला की ताकत रखती है, इंदिरा गांधी की ताकत रखती है, और उन सब की आवाज श्रीमती प्रियंका गांधी जी बनकर आपके सामने खड़ी है। बेबी रानी मौर्य के बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया है और उनके बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार के महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावों पर बेबी रानी के बयान ने बट्टा तो लगा ही दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।